रविवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुल्लू दशहरा कार्यक्रम को लेकर कर्टेन रेज किया और कहा कि प्रदेश कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में मौसम अब साफ है, ऐसे में प्रदेश में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुल्लू दशहरा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में अफ्रीका और अमेरिका जैसे महाद्वीपों के कई देशों की टुकड़ियां भी दशहरा महोत्सव में हिस्सा लेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अब मौसम भी साफ हो गया है और सभी सड़कें भी खुल चुकी हैं, ऐसे में अब देश विदेश के पर्यटक इस उत्सव में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू में आई आपदा ने भारी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने दिन रात मेहनत कर हिमाचल प्रदेश में आपदा से प्रभावित हुई सभी सड़कें खोल दी हैं, लिहाजा देश विदेश के पर्यटक अब कुल्लू दशहरे में शामिल हो सकते हैं। जो कुल्लू में आपदा आई थी, मैं सभी कुल्लू की जनता का, कुल्लू के सभी अधिकारियों का, हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत जल्दी हमने इस आपदा पर नियंत्रण कर लिया और अब जो है भव्य कुल्लू दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई है। और इस कुल्लू दशहरे में पहली बार 20 देशों के पर्यटक आएंगे, ट्रुप 20 देशों के ट्रुप्स पार्टिसिपेट करेंगे और 20 देशों के ट्रुप्स में जैसे साउथ अमेरिका का पनामा आ रहा है, अफ्रीकन कंट्री के घाना, इथियोपिया वगैरह आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्री के आ रहे हैं और राज्यों के भी ट्रुप्स आ रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से कुल्लू दशहरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हमने दिन रात मेहनत करके सड़कों को ठीक किया, अब पर्यटकों के स्वागत के लिए कुल्लू तैयार है, मनाली तैयार है, रोहतांग तैयार, टनल तैयार है। मैं सभी पर्यटकों से अनुरोध करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में अब हिमाचल आ सकते हैं। मौसम की मार और आपदा से हम जितना पिछले 2 महीनों से 2.5 महीनों से परेशान थे, हमने उस पर नियंत्रण पा लिया। अब थोड़े और स्थिति को हमें सुधार करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रोमो और कर्टन रेजर का लॉन्च हुआ है और जो कुल्लू दशहरा है वो 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में रहेगा। हिमाचल प्लस यूटीएस शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।